नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के अब तक की 10 सबसे डरावनी फिल्मों के बारे में और साथ ही जानेंगे कि कौन सी फिल्म अब भी नंबर वन पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, एक टाइम था जब रामसे ब्रदर्स ने हॉरर फिल्मों का ट्रेंड शुरू किया था। उनकी फिल्में उस वक्त लोगों को काफी डराया करती थी। उनके फिल्मों को सबसे ज्यादा डरावना बनाया करते थे उनके बैकग्राउंड म्यूजिक, लोकेशन और साउंड इफेक्ट्स, जो अब की फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ रामसे फिल्म्स का क्रेज खत्म होने लगा। उनकी फिल्मों में एक ही टाइप की स्टोरी के चलते उनकी फिल्म्स को लोगों ने देखना काफी कम कर दिया था। एक बड़ा कारण ये भी था कि उनकी फिल्में ज्यादातर एडल्ट रहती थी। फिल्में ना चलने के कारण फिर रामसे ब्रदर्स ने टीवी पर अपने कदम बढ़ाए और वहां भी उन्हें सफलता मिली। जी हॉरर शो ये सीरीज में कई एपिसोड्स आए थे और ये उस समय का सबसे डरावना सीरियल हुआ करता था। पर बॉलीवुड में उस समय हॉरर फिल्म्स बनना बंद हो गया था। कुछ गिने चुने ही फिल्में आया करती थी जिसमें भी लगभग कई फिल्में फ्लॉप होती थी। उसके बाद सन 2002 में आई राज की जबरदस्त सफलता के बाद बॉलीवुड में फिर से हॉरर फिल्मों का ट्रेंड लौट आया। रामसे ब्रदर्स के बाद हॉरर फिल्मों का ठेका बॉलीवुड में विक्रम भट्ट और राम गोपाल वर्मा ने उठाया। उसके बाद से कई हॉरर फिल्में आई, कुछ फ्लॉप हुई तो कुछ हिट भी हुई। तो दोस्तों, अब जानते हैं बॉलीवुड की 10 सबसे डरावनी फिल्म्स के बारे में और ये भी जानते हैं कि इनमें से कौन सी फिल्म नंबर एक पर है। नंबर 10, शापित। इस फिल्म में उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल नजर आए थे। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी और ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आदित्य नारायण ने अमन भार्गव का रोल निभाया था, जो काया यानी श्वेता अग्रवाल से प्यार करता रहता है। पर काया के परिवार पर एक श्राप रहता है जिसे खत्म करने के लिए अमन को बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म को उस समय अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म को सबसे डरावना सीन लाइब्रेरी वाला रहता है जब अमन एक बुक लेने जाता है। नंबर 9, हॉन्टेड 3D। इस फिल्म में मीमो चक्रवर्ती, टिया बाजपाई और अरिफ जकारिया नजर आए थे। इस फिल्म को भी विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को सन 2011 में रिलीज किया गया था। अपने थोड़े अलग कंटेंट के चलते और अच्छे सॉन्ग्स की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को 3D और 2D दोनों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को पब्लिक के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और ये फिल्म विक्रम भट्ट की आखिरी अच्छी फिल्म थी। नंबर 8, 1920। इस फिल्म में रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा नजर आए थे और इस फिल्म को भी विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के कुछ सीन्स एक्सोसिस्ट से कॉपी किए गए थे जो कि बहुत ज्यादा डरावने थे। ये उस समय की सबसे डरावनी फिल्म हुआ करती थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी और ये फिल्म विक्रम भट्ट की दूसरी सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। नंबर 7, भूत। सन 2003 में आई अजय देवगन, नाना पाटेकर, उर्मिला मातोंडकर, फरदीन खान और रेखा स्टारर फिल्म भूत को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी और ये फिल्म हिट भी साबित हुई थी। इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म उस समय की सबसे अच्छी डरावनी फिल्म थी जिसे पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने पसंद किया था। नंबर 6, राज। इस फिल्म में डीनो मोरिया, बिपाशा बासु, मालिनी शर्मा और आशुतोष राणा नजर आए थे और इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस समय इस फिल्म को देखकर लोग काफी डरा करते थे और इस फिल्म को सबसे डरावना जो बनाता था वो है इस फिल्म की चीख वाली साउंड और वो जंगल वाला भयानक लोकेशन। नए कंटेंट में बनी इस फिल्म ने उस वक्त सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे थे जिसके चलते लोग थिएटर तक पहुंचे थे। इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक कहा जाता है और ये फिल्म विक्रम भट्ट की अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है। नंबर 5, पुराना मंदिर। रामसे ब्रदर की ये फिल्म अब तक की सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को सन 1984 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने उस वक्त कई लोगों का मन में डर पैदा किया था। इस फिल्म में भूत का रोल अनिरुद्ध अग्रवाल ने निभाया था और उन्हें तभी से ही बहुत पहचान मिली थी। अनिरुद्ध की इमेज इस फिल्म के बाद भूत वाली ही रह गई थी। पुराना मंदिर बॉलीवुड की सबसे अलग और बहुत डरावनी फिल्म में से एक है और अब भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। नंबर 4, वीराना। सन 1988 में आई इस फिल्म ने हॉरर फिल्म्स की लिस्ट में अपनी अलग जगह बनाई थी। ये फिल्म उस वक्त इतनी डरावना हुआ करती थी कि कुछ लोग थिएटर में से बीच में से ही भाग जाया करते थे। इस फिल्म के म्यूजिक और साउंड्स भी बहुत डरावने थे जो बिना भूत के भी लोगों को डराया करते थे। कई सालों तक ये फिल्म नंबर 1 हॉरर फिल्म बन के रही थी। नंबर 3, 13B।
इस फिल्म में आर माधवन, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा और नीतू चंद्रा नजर आए थे और इस फिल्म को विक्रम कुमार ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। अपने यूनिक और अच्छे कंटेंट के चलते इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी, जबकि ऐसी फिल्मों को सुपरहिट होना चाहिए। पब्लिक रागनी एमएस 2, 1920 इविल रिटर्न्स और राज 3 जैसी फिल्मों को हिट बना देती है, पर जो अच्छी फिल्में रहती है उन्हें कोई भी देखने नहीं जाता। जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि इस फिल्म में हॉरर के साथ साथ गजब का सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। नंबर 2, भूल भुलैया। इस फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, अमीषा पटेल, शाइनी आहूजा और परेश रावल नजर आए थे और इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को 2007 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म रजनीकांत की चंद्रमुखी और मलयालम फिल्म मणिचित्रतजु की रीमेक थी। फिर भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिला था। कई लोगों को उस समय ये नहीं पता था कि भूल भुलैया एक रीमेक है। अपने अलग कंटेंट के चलते इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस में सफलता मिली थी और फिल्म हिट भी साबित हुई थी। इस फिल्म ने उस वक्त लोगों को काफी डराया था। इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन मणिचित्रतजु को इंडिया की सबसे डरावनी फिल्म कहा जाता है। शोभना की एक्टिंग ने इस फिल्म में जान डाली थी और इस फिल्म के लोकेशन और साउंड इफेक्ट भी बहुत डरावने थे। आप इसके वीडियो क्लिप्स यूट्यूब में अब भी देख सकते हो। नंबर 1, रात। इस फिल्म में रेवती ने लीड रोल निभाया था और इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म सन 1992 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट भी साबित हुई थी। इस फिल्म को बॉलीवुड की अब तक की सबसे डरावनी और सबसे अच्छी फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म के बाद उन्होंने बस 2-3 हॉरर फिल्म से ठीक ठाक बनाई थी। आजकल की बॉलीवुड हॉरर फिल्में पूरी तरह से कचरा हो चुकी है। वही वही फालतू की स्टोरीज को अलग अलग तरह से रिपीट करती रहती है। स्त्री की जबरदस्त सफलता के बाद अब बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी फिल्म्स का ट्रेंड शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इन 10 फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी न्यूज अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।